लकी जरा हंस के दिखाना लोगों को कैसे हंसता है। हाँ जी, ये मेथी है, सर्दियों के लिए मसाला बना रहा हूँ। चाय में भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सोनू गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है पहाड़ों की हसीन और खूबसूरत वादियों से। गाइज, आज का ये व्लॉग होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में फर्स्ट टू एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गाइज, फिलहाल सुबह के बजे हैं 9 और हल्का हल्का कोहरा लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर आजकल। सुबह का अभी खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप। गाइज, यहाँ पे आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, इन हसीन वादियों के साथ गर्मा गर्म चाय का अपना ही मजा है। दूर जानी घा का ढो जानी वहाँ पर घा गठो ली हूँ। अच्छा। मतलब वहाँ पर उनता है कि एक डेढ़ बार हुए बज जानी हम हाँ। घर हूँ डेढ़ बज जा अगर घर में फिर कदू काम कर जा अगर उद को टाइम कदू दूर छू दूर यहाँ पे दूर यहाँ पे पुआ छू चनोली कंट्रोल चनोली कंट्रोल जानू चनोली कंट्रोल पर ऊन जाल में इधर टाइम लगनी दोस्तों, ये है पहाड़ी लाई। ये लाई टोलो नहीं साग लीजियो, यो हम घर लाई छु यो सब लाई छु यो यान ले वान ले मेथी लो छु लाई लो छु यहाँ उनमें लाई है मोवा दादी मैं शुक्र रखनी गर्मी में है यहाँ। अच्छा। पता खानी गर्मी में शुक्र दे लाई काटनी लाई लाई साग हरी लाई आज तो बोनी हो ये तो हरी साग बेर में बोलूंगी आया मैं बोलो हाँ आज में पकाई तो हम गैस में बोलूंगा। इसमें डाल दिए गए हैं मसाले, अब डाली जा रही हरी सब्जी। रात भर उन्हीं गैस में या रोटी दोस्तों फाइनली खाना बन चुका है। यहाँ पे खाने में है रोटी और लाई की सब्जी और ये है मिर्च और आम का अचार। काफ़ी लाजवाब और स्वादिष्ट खाना बना है यहाँ पे। ख़ास तौर पे जो लाई की सब्ज़ी है वो काफ़ी स्वादिष्ट है क्योंकि ये चूल्हे पे बनी है। चूल्हे में बनने की वजह से इसका जो मिठास है इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनी है, मज़ा आ गया। खाने में बोलो रो टेस्ट हरी साग खुशाइन रोट बहुत बढ़िया तो रोला खाई जाने घाम लो तापी जालो। ये हमारी गाय पिंकी ओके नहीं गोर का पानी देनी हो दस्ते गुरु बात छु गुरु बात खुशी नाम छु एक खुशी लिणे पाई हम गुरु बात छु खाया खुशाई डा मैं घर की छु यो घाम की तो नहीं खाओ तो हल्दू लो घर का छु यो लगोनी लगे है दीहे धन्य बीहे धरे ये दो खाया छु यो सूची को आया को धर ले जोला भी बगार सन इनो को ले पान देनी। अच्छा। नो ए बासुर छु ए गोर छु इन को ले पाट देणी मुस चिलक नि धन्नाई
ये है पहाड़ी किचन। पाऊंगा कप बढ़ूनी हो बोलो हूँ आजकल पाऊंगा कप। ये हैं गुड़िया के बाल, बचपन में आपने काफी खाए होंगे। हाँ जी ये मेथी है, सर्दियों के लिए मसाला बना रहा हूँ, चाय में भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं, अरबी की सब्जी में भी डाल सकते हैं। ये मैंने भांग भुनी हुई है, इसका भी मसाला बनाऊंगा और सब्जियों में इस्तेमाल करूंगा, सब्जी में भी चाय में। ये तो खैर सब्जी में इस्तेमाल होता है, वो चाय में भी इस्तेमाल होता है, सब्जी में भी इस्तेमाल होता है, नमक में भी इस्तेमाल होता है मसाले के तौर पर। ये छोटी छोटी लाई है जी, लाई को मैंने पानी में मतलब कुकर में ही समझ लीजिए, कुकर में इसको दो तीन सीटी मार के पका दिया बगैर पानी के, धो के कुकर में डाल के बगैर पानी के तीन सीटी इसको लगा दी। अब इसको ठंडा करने के बाद मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लूँगा मैं। ये अब इसको आलू, इसमें जो बॉयल आलू है उसको मसल के और प्याज टमाटर की का मसाला बना के उसमें ये दोनों सब्जियाँ फ्राई कर देंगे, हंसा का सूखी रोटी के साथ की सब्जी हो जाएगी जी। पहाड़ों की लाई की सब्जी आलू के साथ में मिक्स करके बॉयल करके बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। गाइस ये है लक्की, अभी ये सो रहा है यहाँ पे, धूप में आराम कर रहा है। लक्की हाथ दो, गुड बॉय, वाह काफी समझदार हो गया ये। लक्की जरा हंस के दिखाना लोगों को कैसे हंसता है, एक बार और हंसना लक्की, देखिए लक्की हंसता भी है, देखिए लक्की हंसो। दोस्तों यहाँ पे लगाई है हमने लाई, अभी मैं डाल रहा हूँ लाई में पानी। गाइज यहाँ पे अभी सनसेट हो चुका है और ठंड बढ़ने लग गई है। हर्षु का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे हर्षु। ये कौन लाया डॉल? मम्मी। प्यारी सी डॉल, देखिए अच्छी लग रही है। मैं नचनी बर्थडे छू अर्शु नाम छू। हैप्पी बर्थडे हर्षु। थैंक यू। हर्षु को 5 साल पूरे हो चुके हैं, छठा लग गया है ना, कितने साल पूरे हो गए? 5। गाइज आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइडर और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के आपके पास नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर मिलता है आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।